नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। कैसे हैं आप लोग? तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जब बहाली आती है, परमानेंट जॉब आता है, तो मजबूरी में तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कैसे हैं आप लोग? लगातार बहाली आ रही है, तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए। बहाली कब आ जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं होता। जैसे NPCIL में देखिए, अभी बहाली आ चुका है, इसमें ITI डिप्लोमा 10वीं पास 12th पास वाले बच्चों को मौका मिलने वाला है। तो अगर आप ITI किए और अभी तक बैठे हुए हैं तो बैठिए नहीं, ईजीवे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बैच में आपको सुविधा लगता है उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि हमारे ईजीवे कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में मैथ के बैच स्टार्ट हो गए हैं। ऑफलाइन में बैच चल रहा है 15 दिसंबर से, ऑनलाइन मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैथ रीजनिंग का काफ़ी वेटेज है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो अभी अभी मोबाइल उठाइए और कॉल करके पता कर लीजिए कि हमारे यहाँ आपके लिए जो मैथ है हम क्लास देने वाले हैं, एक एक चैप्टर में 200 प्रश्न लगेंगे, 150-200 प्रश्न रहेंगे, जिसकी आपकी तैयारी 100% हो जाएगा। और पूरे इंडिया में मैथ का ITI लेवल का कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ईजीवे कोचिंग पहली बार शुरुआत करें और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, भर भर के नौकरी दे रहे हैं बार्क में और NFC में। NFC में तो हमारे यहाँ से 12 बच्चों का स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, स्किल टेस्ट होने वाले हैं। तो दर्जन से आज सिलेक्शन ईजीवे दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और इस मेहनत का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो अभी कॉल उठाकर कॉल कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये NPCIL नरौना इंडिया में एक जगह है जहाँ पे NPCIL का प्लांट है और यहाँ पे ये बहाली निकाली गई है, ठीक है? इसके वेबसाइट पर आएंगे तो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है NPCIL careers.cov.in, ये डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है? और इस पेज पर आएंगे तो यहाँ देखिए करियर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक और पेज खुलेगा, ठीक है? और यहाँ पर एक और दो दो तरह की बहाली दी गई है। ऊपर वाला जो बहाली है वो बीटेक के लिए है, जो इंजीनियर्स लोग हैं, गेट क्वालिफाइड लोगों के लिए, ठीक है? और जो दूसरा नंबर पर है ये है आप लोगों के लिए, ITI के लिए है, डिप्लोमा के लिए, 12th पास के लिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन इसका अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है ITI इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर के बताया जाएगा। आज से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, कल या परसों से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तब तक वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएंगे, जो दूसरा चैनल है, इस पर हम लोग केवल और केवल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर के बताते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को, इस वीडियो में केवल नोटिफिकेशन के बारे में हम समझाएंगे, सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि तबीयत खराब है, हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन में सीधे हम चलेंगे जहाँ पे हमारी काम की बात है वहाँ पे। इधर कुछ पोस्टें हैं डिप्लोमा बीटेक के लिए, हम ITI की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ITI की जो पोस्टों की संख्या है 5वां का दूसरे नंबर पे, और इसमें जो ये जो निकाली गई है ट्रेनी मेंटरर के लिए निकाली गई है, ठीक है? मेंटरर जो ITI के होते हैं, फिटर के लिए यहाँ पे 14 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 है। और इधर एक कॉलम में जो हैंडीकैप होते हैं उनके एक एक पोस्टों को ऐड किया गया है, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रीशियन का 9 हो गया है और फिटर का 15 हो गया है। वैसे आप देखा जाए तो आपके लिए बस यही है, 14 और 8 है। सीटों की संख्या पर नहीं जाना है क्योंकि सीटों की संख्या से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपकी तैयारी भरपूर होगी, हमेशा कभी भी तैयारी कीजिए तो टॉपर बनने के लिए, अगर टॉपर बनने के लिए तैयारी करेंगे तो 100% आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीटों की संख्या देखकर तैयारी कीजिएगा कि 200 सीट रहेगा तब हम फॉर्म भरेंगे नौकरी मिलेगा, तो जीवन में कभी नौकरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीधे बात करेंगे कुछ एज का, तो एज लिमिट की बात करते हैं। तो सीधे जो ITI का जो बहाली है उसमें एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे मेंटर वाले पोस्ट में तो एज आपका 18 से 24 साल दिया हुआ है। अगर आपका एज 18 से 24 साल के बीच में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इधर कुछ टर्म कंडीशन दिए गए, उससे मतलब नहीं, आपका एज का ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? छूट की बात करें, जिनका एज ज़्यादा हो गया तो उनको छूट मिलेगा। अगर आप OBC से हैं, SC ST हैं, तो आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एज में छूट दिया जा रहा है, जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST हैं, उनको 5 साल छूट है, जो OBC हैं, क्रिमिलेयर है, उनको 3 साल का छूट है, और इसी तरह हैंडीकैप को 10 साल का छूट है। तो यहाँ पे छूटों को, छूट की संख्या को बढ़ाया गया है, 15 साल है जो OBC हैं और हैंडीकैप है उनके लिए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे दे रहा है कि जो हैंडीकैप है उनके लिए टर्म कंडीशन यह दिया गया है कि किस तरह के लोग, मतलब किस तरह से हैंडीकैप है, कितना उनका बॉडी है जो काम नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया कि आप फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो आप अगर हैंडीकैप नहीं तो इसको स्किप कर लीजिए इसे।
और चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोस्टें हैं, ये साइंटिस्ट वाला जो असिस्टेंट साइंटिस्ट का पोस्ट है उसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जो आईटीआई वाले हैं, जो 10+2 वाले हैं उनके लिए। यहाँ पर देखिए, ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन भी का, इसमें 10+2 जिन्होंने किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक साल का सर्टिफिकेट चाहिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, तब इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा है एस टी अब्लिक टी एम ऑपरेटर का है, और इसमें भी अगर 10+2 किए हैं या ISC किए हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 10+2 या ISC में एक विषय के रूप में इंग्लिश होना चाहिए। तो ये तो 10वीं जो 12th किए उनके लिए। अब ITI के लिए बात करते हैं। तो देखिए, ITI के लिए यहाँ पर था इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले बोल रहा है कि आपकी 10वीं पास होना चाहिए। 10 ईयर का मतलब होता है कि पहला क्लास से 10वीं क्लास तक अगर आपने पढ़ाई किया है तो 10 साल का ड्यूरेशन होता है, और 10वीं आप अगर पास है तो उसको SSC बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप 10वीं पास है विज्ञान एवं गणित विषय में, 10वीं में विज्ञान और गणित बाय डिफॉल्ट होता ही है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, पास किए हैं, और विज्ञान और गणित में 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए, अलग अलग, मतलब गणित में 50% और विज्ञान में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट नहीं, एवरेज नहीं। एवरेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 60% है आपका विज्ञान में और गणित में 40% है, तो एवरेज निकालिएगा तो 50 हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। इसको चाहिए क्या कि अलग अलग में गणित में 50 और विज्ञान में भी 50 आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। और 2 वर्षीय आपका फिटर और इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए। ठीक है, तो वही लोग इसमें योग है भरने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए किसी के पास इलेक्ट्रीशियन फिटर का अप्रेंटिसशिप है 1 साल का, कहीं से कर लिया है, तो उनको 1 साल का अगर उनके पास एक्सपीरियंस और है, तो मतलब 2 साल है, तो आप अप्लाई करेंगे, कहीं से अप्रेंटिसशिप भी मिल जाता है सर्टिफिकेट वगैरह, तो इक्विवेलेंट होगा, तो एक्सपीरियंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप ITI किए हैं 2 वर्षीय हैं, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड टाइपिस्ट के लिए है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और सीधे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे दिया गया है सैलरी के बारे में। ठीक है, कि आपको सैलरी कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, कब कब क्या रहेगा। तो सीधे हम चलते हैं आपके लिए जो यहाँ पे सैलरी की बात की गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मेंटेनेंस के लिए है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइट की भी बात की गई है। आपका जो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएगा। और आपका वजन 45.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए, ये कम से कम है, मतलब 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह 45.5 kg से ज़्यादा वजन होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि आपका ट्रेनिंग कितना होगा। ट्रेनिंग आपका होगा 24 महीने, मतलब 2 साल होगा, 2 साल आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। और ट्रेनिंग में जो पहला साल होगा, तो पहला साल में आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा 10,500 रुपये। ठीक है, और दूसरे साल आपको 12,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह से सैलरी 2 साल आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और लेकिन इसके जब ट्रेनिंग आप कर रहे होंगे तो बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और ये बॉन्ड मैक्सिमम 5 साल के लिए साइन करना होगा। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी सैलरी बढ़ेगा, तो लगभग मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार के बीच में हो जाएगा, सब TA DH HRA जोड़कर। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे है, सिलेक्शन कैसे होगा, इस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। फिलहाल है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अब सिलेक्शन कैसे होगा इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, हम पूरा नहीं बोल पा रहे हैं सही से। तो नेक्स्ट डे हम वीडियो लेकर आएंगे और सिलेक्शन के बारे में बताएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, तैयारी कैसे करना होगा। फिलहाल सूचना दे दूँ कि बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट है, मैथ के क्लासेस भी 15 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार जिस चीज़ में कमजोर होंगे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहाली आती है तो तैयारी करेंगे तो इसका कोई सलूशन नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगा। पहले से तैयार रहिए, अगले साल मेट्रो से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और रेलवे सभी की बहाली आ सकती है। तो बहाली कब आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो आप हमारा इजी वे कोचिंग का मदद से तैयारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।